मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर चाय की टपरी पर मोदी राज्य में हार्दिक व्यंगचित्र का हुआ विमोचन। जूनियर मोदी जी को देखने पहुंचे लोग। स्टार रिपोर्टर के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें यशस्वी कार्यों का राज पाटिल के बनाए हुए व्यंगचित्र की श्रृंखला मोदी राज्य में हार्दिक जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। ये कार्टून बुक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी कार्यों से जुड़ा हुआ है। आजादी के जश्न को 75 इयर्स हुआ है, इसके उपलक्ष्य में हार्दिक भाई हुरिया जी ने कार्टून की दुनिया में हमारे कार्टूनिस्ट कहाँ गए? कार्टूनिस्ट किधर है मैडम? कार्टून की दुनिया में एक नया उभरता हुआ सितारा, एक दिन मैं भी गुमनाम था, आज राज पाटिल गुमनाम होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसके कार्टून मैंने देखा तो मुझे लगता है कि आज लक्ष्मण बाला साहब ठाकरे की जगह जो जगह खाली हुई है वो जगह ये राज साहब संभालेंगे, ऐसा मेरा इस पे आशीर्वाद भी है और मुझे पूरा विश्वास है। मैं जब पे विश्वास करता हूँ खड़ा रहता हूँ, कुदरत का मेरे पे आशीर्वाद है। ये बाला साहब का भतीजा है, राज साहब बाला साहब के भतीजे, ये हम सब का भतीजा है। पहली बात तो ये कि जो उपाधि दी गई है, अब उपाधि देनी तो बहुत मतलब जिम्मेदारी का काम है और उसको निभाना उससे बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो बस मोदी जी और हार्दिक भाई और जो ऊपर बैठे भोले वो मुझे पूरी ताकत दे कि ये जिम्मेदारी को मैं ठीक ढंग से निभा पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल ये बुक जो बनी है ये केवल और केवल माननीय हमारे पंतप्रधान जो है नरेंद्र मोदी भाई, इन्होंने जो देश के विकास के लिए जो काम किए हैं पिछले 9-9.5 सालों में, और ये सब जो काया पालट है मुझे ऐसे लगता है आजादी 1947 को नहीं मिली, उसके बाद 2014 में जब पंतप्रधान बने नरेंद्र भाई, तब से जो आजादी के बाद जो काम होने चाहिए वो आज हम आजमा रहे हैं। उसके पहले सिर्फ हमें देखना है, हम देखेंगे, हमें करना है, हम करेंगे, इसमें गाड़ी वही थी, आज की गाड़ी जो है ये बुलेट ट्रेन बन चुकी है, तो हम लोग इस सब के गवाह है। और जैसे आपने पूछा कि समाज के लिए क्या किया है, तो जो किया मोदी जी ने वो समाज के लिए, देश के लिए किया है, भारत के लिए किया है, तो आज भारत का नाम जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल इसमें एक कार्टून ऐसा भी है जहां पे हमारी पासपोर्ट की कीमत जो है, जब आप बाहर गांव जाते हो और बोलते हो आई एम भारतीय, तो आप देखिए आपको ऐसे वीआईपी की तरह ट्रीट करते कि हमारा आदमी आ गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, और जो उन्होंने करके दिखाया और आने वाले टर्म भी उन्हीं के हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं भारत की जनता को उनके साथ साथ में खड़े रहे, उनको पूरा सपोर्ट करे, तभी जाकर इस भारत देश को सोने की चिड़िया ये फिर से कहा जाएगा। यस बिल्कुल, विवाद तो हुआ था, बिल्कुल जैसे आपने पूछा कि विवाद हुआ था, हाँ विवाद जरूर हुआ था। पहला एग्जीबिशन जो 2007 में हमारे हार्दिक हुंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था रेडियो क्लब कुलाबा में, तब आप जानते होंगे कि अमर सिंह ये सर्वे सर्वा माने जाते थे सपा के, और लेकिन ऐसे होता है ना कि कभी कभी ये होता है कि आपके जिम्मेदारी कुछ नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि मैं हट जाऊंगा तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, तो वो वाली पोजीशन थी। तो मैंने ये दिखाया था कि महाराष्ट्र में ऐसे कहावत है कि बैलगाड़ी चलती है तो उसके नीचे अगर कोई डॉगी चले तो उसको लगता है ये सब मैं उठाया हूं, और मैं हट जाऊं तो गाड़ी गिर जाएगी। तो वो कार्टून वैसे मैंने जो बनाया था उसके ऊपर थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था, और ना सिर्फ वो, आप जानते होंगे बीएसटी में सम चल रहा था, तब मैं मुंबई मित्र में कार्टूनिस्ट बोलकर काम करता था, मैंने वृत्तमानस में काम किया हुआ है फ्रीलांसर बोलकर, तो बहुत सारे मेरे कार्टून्स पे विवाद भी हुआ। हाँ जैसे, लेकिन जैसे मोदी भाई ने कहा कि मुझे हाईलाइट उतना नहीं होने, लेकिन आज मीडिया है, मीडिया मेरे सामने है, सोशल मीडिया है, तो मैं ये जरूर उम्मीद करता हूँ कि अब बात बनेगी। जी अब बनाया तो ऐसे समझे कि जो मोदी जी का बनाया वही है, अब और अलग से क्या बनाओ। लालजी मोदी, नरेंद्र मोदी, आप टाइटल डालेंगे?
उसमें तो जैसे मोदी, क्योंकि आज लालजी भाई भी यहाँ पे आए हैं, ये भी मोदी जी को रिसेंबल करते हैं, राइट। तो बस हम उनको मकसद एक ही है, सिर्फ वो बड़े भैया है और ये छोटे भैया है। लालजी जी से पूछेंगे, मोदी जी से पूछेंगे, 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है आपको? जी नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि आप मुझे देख के वोट दीजिए। देखो अभी नरेंद्र मोदी को यह भी कहना जरूर नहीं पड़ेगा कि मुझे देखे, उसके काम ऐसे है, जैसे मेरे रामलला का भी मंदिर बन रहा है, जनवरी में उसका उद्घाटन है, तो ये देश की 140 करोड़ प्रजा क्या पूरी दुनिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, अब ये मुझे जरूर नहीं पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि 400 से बाहर इस सभा हम लोकसभा की सीट जीतेंगे। लोकसभा